फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन शेरे पंजाब रेस्टोरेंट में, जो कि कोलाघाट में स्थित है। कोलाघाट फाइनली हम लोग का स्टार्टर आ गया। स्टार्टर टंगरी कबाब मंगाया है और ये देख सकते हैं। टेस्ट करके बताएं साहिल भाई कैसा है। इट वॉज अमेजिंग। मेरा ये फर्स्ट वीक है। खाना कैसा लग रहा है आपको? खाना तो बहुत मस्त है। आप लोग जैसे जैसे सब्सक्राइब बढ़ाइएगा वैसे वैसे ही खिलाएगा। ये सब जगह खिला रहे हैं, इतना मस्त मस्त खाना आपके वजह से, आप लोगों के प्यार के वजह से हम खा पा रहे हैं। पुलाव जो खा रहे हैं, पुलाव कैसा है? मस्त है। देखो पैसे मिले ना मिले, मस्त है मुझे खाना। अभी आ गया मेरा फेवरेट सामान पंजाबी होटल का जान, ये लस्सी। थोड़ा हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एम्पायर। तो कैसे हैं आप लोग? तो फिलहाल अभी रात के बज रहे 12 और हम लोग निकल रहे हैं कोलाघाट के लिए, जो कि कोलकाता से बाहर है। शेरे पंजाब रेस्टोरेंट जा रहे हैं गाइस। तो फिर चलिए आज आपको एक नया जगह दिखाते हैं। अब तक तो मैंने आपको बस ऐसे नॉर्मल फूड ब्लॉगिंग दिखाया और थोड़ा एक दो जगह दिखाया, बट आज हम लोग जा रहे हैं शेरे पंजाब होटल, जो कि बहुत ही मशहूर है और फेमस है। तो यहाँ से लगभग 65-70 किलोमीटर है। तो ठीक है गाइस, चलिए बने रहिए आप लोग, हम आपको दिखाते हैं कैसा क्या नज़ारा है। तो गाइस फिलहाल हम लोग कोलकाता से बाहर तो निकल गए, सत्रागाछी के जाम में फंसे हुए। कितना जाम है और फिलहाल अभी टाइम 12 बजने ही वाला है और अभी कितना 57 किलोमीटर जाना बाकी है। फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन शेरे पंजाब रेस्टोरेंट में, जो कि कोलाघाट में स्थित है। कोलाघाट में यहाँ पे खाना बहुत गजब मिलता है, बहुत बढ़िया है। अभी थोड़ा बारिश हो रहा है इसीलिए, नहीं तो फिर वो जो ढाबा होता पंजाबी ढाबा, उसका पूरा मज़ा मिलेगा आपको। और ये हमारे दोस्त यार जो सेल्फी लेने में बिजी है। गाइस मैं आपको सारा व्यू दिखाऊंगा यहाँ का, उससे पहले आप लोग यार ये मिस्टर एम्पायर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अभिषेक भाई कैसा लग रहा है आपको आके पहली बार? हेवी इमोजी दे रहा भाई, मीम्स का जरूरत नहीं है मुझे, मीम्स डालना नहीं पड़ेगा इसमें जो नंबर है पता नहीं। साहिल भाई तो आपके तरफ से ट्रीट जी, अभी तो आए हैं, अभी हम लोग भाई थैंक यू भाई जो हम लोगों के साथ आ गए हैं। और भाई का बर्थडे है गाइस, विश कर दे नीचे प्लीज, विश कर दे कमेंट सेक्शन में, तो वो कमेंट सेक्शन आएगा सब्सक्राइब बटन डालिएगा ये करिएगा। और ये हमारे नावेद भाई, जैसा एम्बियंस है नावेद भाई बहुत मिस कर रहे हैं अपने फ़ोन को, क्योंकि नहीं भी तो कम से कम 100-150 फोटो मिस हो जाएगा इस बार भाई। क्या कहना भाई, पोस्ट भी दे आ जाएगा भाई जल्दी से। ठीक है गाइस, तो हम फिलहाल हम लोग अंदर जाके आपको दिखाते हैं कैसे एम्बियंस हो, क्या क्या खाने में है और खाने का टेस्ट कैसा है, सब रिव्यू करके बताएंगे। और थैंक्स साहिल भाई वंस अगेन। फाइनली हम लोग का स्टार्टर आ गया। स्टार्टर टंगरी कबाब मंगाया है और ये देख सकते हैं। टेस्ट करके बताएं साहिल भाई कैसा है। इट वॉज अमेजिंग। मेरा ये फर्स्ट वीक है। अच्छे से कुक हुआ है या बहुत अच्छे से फ्राई हुआ है? टेस्ट कैसा है भाई? जोर से भाई मैं टेस्ट करके बताता हूँ आप लोगों को कैसा है। और ये उल्लास भाई के स्टाइल में चलो हो गया जो मत कर भाई मेरे को बोला मिस कर के ये यहां का फेमस है। स्पेशल गेस्ट है हम ड्राइवर साहब तो आपको खाना कैसा लग रहा है भाई? बढ़िया है, पहला बार है।
गाइस स्टार्टर बहुत बढ़िया है, आप देखते हैं मेन कोर्स कैसा रहेगा। मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि खाने में तकलीफ हो रही है, खाने का एंजॉय लेना जरूरी है। फिलहाल हम लोग का स्टार्टर तो हो गया, अब मेन कोर्स है पुलाव, पनीर बटर मसाला, नान, क्या क्या है ये बता दें, और ये चिकन भरता, टिक्का बटर मसाला, और हम लोग ये सब टेस्ट करके आपको बताते हैं, इसका रिव्यू देते हैं। मीठा मीठा आ रहा है, वो जो स्पाइसीनेस आना चाहिए जो इंडियन में खाने में मिलता है वो इसमें नहीं है पनीर बटर मसाला। ठीक है गाइस, अब हम इस चिकन भरता को ट्राई करते हैं और बताते रहते हैं। चिकन भरता बिल्कुल परफेक्ट है, खा के मजा आ गया और एक दो मसालेदार होते हैं फील हो रहा है। चिकन टिक्का ये भी अच्छा गाइस, बस मुझे पनीर बटर मसाला जो है थोड़ा मीठा लगा, बाकी सब खाना ठीक है। पुलाव जो खा रहे हैं, पुलाव कैसा है? मस्त है। देखो पैसे मिले ना मिले, मस्त है मुझे खाना अच्छा है ना, तो पेट्रोल का पैसा तो नहीं लीजिएगा। अच्छा लग रहा है, तो कुछ कमी मुंह से बोल सकते हैं आप। दोबारा भी आ गया हम, मेरा फेवरेट सामान पंजाबी होटल का जान, ये लस्सी। थोड़ा मलाई कम लग रहा है मगर देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं। अभी भाई ने हमारे टेस्ट कर लिया, तो भाई टेस्ट कैसा भाई? हेलो भाई, टेस्ट कैसा? ड्राइवर से लीजिए भैया, ड्राइवर साहब मजबूरी है बताना, पर अच्छा नहीं। तो फिलहाल अभी मैं टेस्ट करके बताता हूँ गाइस कैसा है ये। अच्छा है, बट वो जो ओरिजिनल पंजाबी लस्सी होता है उस वाला मज़ा नहीं आया, जो ऊपर में मलाई होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं सिर्फ झाग भरा हुआ है, बट वो मलाई नहीं है। अभी हम इस लस्सी को पियेंगे देसी स्टाइल में, ये हम लोग का स्टाइल नहीं है गाइस। और ये सही में वो मज़ा नहीं आया जो पंजाबी होटल का लस्सी में रहता है गाइस। खाना वाना अच्छा था, स्टार्टर बढ़िया था, पनीर तो मीठे ही था, और ये लस्सी में मज़ा नहीं आया जो मेरा फेवरेट सामान है। नहीं आया गाइस, खाना पीना हो गया है और ये मिस्टर एम्पायर की टीम निकलने वाली है
तो बस बहुत ही अच्छा रहा, बस थोड़ा कुछ कुछ खाना मीठा था और लस्सी में मजा नहीं आया, बाकी खाना वाना अच्छा था। और भाई ने हमें पार्टी दी है, इसके लिए थैंक यू भाई, सब बोल दे। और हैप्पी बर्थडे ब्रो देने के लिए। ठीक है गाइस, तो इस मिस्टर एम्पायर चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाए इस एम्पायर का हिस्सा। और इस ये एम्पायर अभी छोटा है, इसको बड़ा करे तो दबा के सब्सक्राइब करे गाइस। क्यों लाइक करे और शेयर करे गाइस। ठीक है गाइस, बाय, सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी वीडियो आगे भी मिलती रहे देखने के लिए और आप भी ऐसे लोकेशन पे आते रहे। ठीक है गाइस, जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।